नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी के टेट की, जो काउंसलिंग शुरू हो चुकी है 19 जुलाई से, यानी कल से यूजी वालों की भी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो उनमें आप लोगों को चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, जिससे आप लोगों को आपकी मनपसंद सीट मिल सके, उसी के बारे में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो इससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। इससे पहले आप लोगों को कितने रैंक तक कौन सा कोर्स मिल सकता है वो वीडियो में बता दिया हूँ। उस वीडियो के अकॉर्डिंग भी आप लोग चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, कृपया चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग यूपी के टेट कट ऑफ उस पर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उस पर जो द नॉलेज प्लाजा वाली वीडियो आएगी वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आप लोगों को सारी जानकारी दी गई है। चलिए तो फिर वो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों को एक बार और बता दूं, जो अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाती है यूपी के टेट की, तो वो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए अब आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को कौन सी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर चूज करनी है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी चूज करनी है, या आप लोग सीएसए यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं कानपुर वाली, या मेरठ वाली यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, या आप लोग सीएसए को पहले नंबर पे चूज कर सकते हैं या मेरठ को पहले नंबर पे चूज कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी यूनिवर्सिटी आप लोग पहले नंबर पे चूज कर सकते हैं। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी बढ़िया हैं, तो इन दोनों को आप लोग पहले नंबर पे चूज करेंगे। यानी पहले नंबर पे या तो सीएसए को चूज कर लीजिए, दूसरे पे मेरठ को, या मेरठ को पहले पे, दूसरे पे सीएसए को, इनको एक आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को बांदा यूनिवर्सिटी चूज करनी है, बांदा यूनिवर्सिटी चूज करनी है। और चौथे नंबर पे आप लोगों को एनडी यूनिवर्सिटी, जो फैदाबाद वाली है, वो आप लोगों को चूज करनी है। इसके बाद इसके जो कैंपस हैं उनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया, अब आप लोगों को बताते हैं आप लोगों को कौन सा कोर्स पहले चूज करना है। तो देखिएगा सबसे पहले आप लोग यही कोशिश करिए कि बीएससी एग्रीकल्चर मिले। बीएससी एग्रीकल्चर मिले, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी मिल जाए। अगर आप लोगों को कहीं भी बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिल रहा है, उसके बाद ही आप लोग हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री को चूज करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी बीएससी एग्रीकल्चर मिल रहा है तो आप लोगों को हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री को वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को मिलती हैं। यानी कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल रहते हैं, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री वाले एलिजिबल नहीं रहते हैं। कुछ जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें केवल बीएससी एग्रीकल्चर ही मांगता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा, अगर आप लोगों को कहीं भी बीएससी एग्रीकल्चर मिल रहा है तो पहले आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर को ही चूज करिएगा, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री आप लोगों को बाद में चूज करनी है। अब देखिए आप लोगों को बता दें, सबसे पहले तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया कौन सा कोर्स आप लोगों को चूज करना है, अब ये आप बता दिया। अब आप लोगों को बता दें, देखिए तीन तरह की सीट होती हैं, एक फ्री सीट होती है, एक पेड सीट होती है, और एक होती है एनआरआई सीट। एनआरआई सीट तो सबसे लास्ट में जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है उसी में बढ़ती है। देखिए तो सबसे पहले आप लोगों को फ्री सीट चूज करनी है। फ्री सीट चूज करनी है, और फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोगों को ज़्यादा चॉइस भरने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोग केवल उतना ही भरिए जौन सी यूनिवर्सिटी आप लोगों को चाहिए और जौन सा कोर्स आप लोगों को चाहिए, वही यूनिवर्सिटी आप लोगों को फिल करनी है। जैसे आप लोग चाहते हैं कि या तो मेरठ यूनिवर्सिटी मिल जाए या सीएसए यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो केवल दो ही यूनिवर्सिटी आप लोगों को चूज करनी है, और दोनों ही यूनिवर्सिटी में, अगर आप लोगों की, मैंने जो रैंक वाला वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कितने रैंक तक आप लोगों को फ्री सीट मिल सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हैं तो आप लोगों को पहले नंबर पे फर्स्ट काउंसलिंग में केवल और केवल फ्री सीट चूज करनी है। क्या चूज करना है? केवल और केवल फ्री सीट चूज करनी है, पेड सीट पहली काउंसलिंग में चूज नहीं करनी है। क्योंकि पेड सीट अगर आप लोग चूज करते हैं तो फिर वो पेड़ का जो 50,000 एक्स्ट्रा लग जाता है वो वापस आने में फिर दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग पहले फ्री सीट चूज करेंगे।
अगर आप लोगों को फ्री सीट नहीं मिलती है तो अगले काउंसलिंग में आप लोग पेड सीट चूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोगों को फ्री सीट ही चूज करनी है। और जौन सी यूनिवर्सिटी आप लोगों को चाहिए केवल वही भरिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा होता है, इसमें जो थर्ड ऑफलाइन काउंसलिंग होती है उसमें ज़्यादा चांस रहते हैं, उसमें कभी कभी ज़्यादा रैंक वाले बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है। इसलिए आप लोग अगर देखिए एक ही बार इसमें मौका मिलता है अपग्रेडेशन कराने का, एक ही बार मौका मिलता है। अगर आप लोग पहली काउंसलिंग में सारी यूनिवर्सिटी फिल कर देंगे, सारे कोर्स फिल कर देंगे, तो क्या होगा, कोई ना कोई कोर्स तो आप लोगों को मिल ही जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग में। और सेकेंड काउंसलिंग में आप लोग अपग्रेड कराएंगे तो सेकेंड काउंसलिंग में उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग फर्स्ट काउंसलिंग में केवल उतना ही भरिएगा जितना आप लोगों को जौन सी यूनिवर्सिटी में जौन सा कोर्स चाहिए केवल वही भरिएगा। एक दो तीन चॉइस फिलिंग करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा फर्स्ट काउंसलिंग में। उसके बाद आप लोग सेकंड काउंसलिंग में ज़्यादा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग थर्ड काउंसलिंग में, थर्ड जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है उसमें आप लोग अपग्रेडेशन करा सकते हैं और उसमें आप लोगों को सीट मिल सकती है बढ़िया। तो आप लोगों को इसके बारे में बता दिया, फ्री सीट भरनी है फर्स्ट काउंसलिंग में, और आप लोगों की फर्स्ट काउंसलिंग में रैंक अच्छी नहीं है और आप लोग पेड सीट लेना चाहते हैं तो पेड सीट भी भर सकते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में। और अगर आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग में फ्री सीट नहीं मिलती है तो सेकंड काउंसलिंग में आप लोग पेड सीट भी भरिएगा, पेड सीट भी आप लोग भरेंगे। NRI सीट तो बहुत महंगी पड़ती है, ये ज़्यादा लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इसमें 1,00,000 एक्स्ट्रा लगता है हर साल 1,00,000 एक्स्ट्रा लगता है इसमें, तो इसको ज़्यादा लोग नहीं ले पाते हैं। तो फ्री और पेड सीट हैं आप लोगों के लिए, इनको भरिएगा फर्स्ट काउंसलिंग में केवल फ्री सीट। और यूनिवर्सिटी का क्रम तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, कैसे आप लोगों की यूनिवर्सिटी चूज करनी है, कौन सा कोर्स आप लोगों को चूज करना है। केवल BSc एग्रीकल्चर लीजिएगा, BSc एग्रीकल्चर नहीं मिलता है तब आप लोग BSc हॉर्टिकल्चर या BSc फॉरेस्ट्री ले सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी BSc एग्रीकल्चर मिल रहा है तो आप लोग BSc एग्रीकल्चर ही लीजिएगा। अगर आप लोगों को और भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोगों को उसका रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।